साथियों, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आप तमाम बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाइयों का, दुकानदार साथियों का, मेहनत मजूरी करके, ठेला रिक्शा चला करके, खेतों में खून पसीना बहा करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले बखरी विधानसभा के, गढ़पुरा के आप तमाम निवासियों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मुझे लग रहा था कि शायद आज हम अपनी बातचीत आपके बीच नहीं रख पाएंगे, लेकिन मंच पे मौजूद सम्मानित लोगों को देखकर विभिन्न पार्टी के नेतागण और आपके चेहरे की उम्मीदों को देख करके एक नई जान आ गई है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ये महागठबंधन 5 पार्टियों का महागठबंधन है। लोग कहते हैं 5 अंक बड़ा शुभ होता है और ये इस बात का शुभ संकेत है कि हम लोग अपनी तमाम चीजों को भुलाकर ये चाहते हैं मीडिया है, मीडिया कि एक मुकम्मल एकता बने, एक चट्टानी एकता बने और ये चट्टानी एकता सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि हम तालमेल करके कुछ सीट जीत जाना चाहते हैं। दरअसल हमारी कोशिश ये है कि यह चट्टानी एकता बिहार में बदलाव को लेकर के आए, बिहार को बदलने का काम करे, इसलिए एकता बनाई गई है। इस महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेतागण, आदरणीय राम पदारथ बाबू, उर्मिला ठाकुर जी, सीपीआईएम के नेतागण, सीपीआई के नेतागण, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक बार आपने पुनः मुझे गढ़पुरा आने का मौका दिया है। और विशेष रूप से मैं आप तमाम लोगों से ये आग्रह करता हूं, ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अगर बिहार का सरकार बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की शक्ति की जरूरत है, युवाओं के जोश की जरूरत है, तो मैं आप तमाम लोगों से भी आग्रह करता हूं कि इस बार चेहरा नहीं देखिए, इस बार छाप नहीं देखिए, इस बार 5ों पार्टियों का छाप एक ही है। ये हमारे लिए सिर्फ चुनाव नहीं है, हम बिहार में इसको आंदोलन के तौर पे देखते हैं कि ये सरकार हम बदलना चाहते हैं, एक नई सरकार बनाना। इसीलिए ये कोई पारंपरिक चुनाव नहीं है। आप सब जानते हैं कि किन गंभीर परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है। आप भूले नहीं होंगे कि जब पूरी दुनिया में एक महामारी आई जिसको कोरोना कहा गया, उस कोरोना को खत्म करने के लिए सरकार ने जो जो कहा, देश की जनता ने सब कुछ किया। थरिया बजे लो न, ग्वाल बताई लो न, भाग ले कोरोना। और देखिए कि इस लॉकडाउन के चलते रोजी रोजगार बंद हो गया, कल कारखाने बंद हो गए, हमारे आपके परिवार के सदस्य उनको वापस आने के लिए बस ट्रेन नहीं था। आप नेशनल हाईवे पे जाते तो छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरा परिवार हजारों किलोमीटर चल करके बिहार वापस आया। हमारी हालत क्या है कि हमको अपनी हर चीज के लिए, हम भी बाहर में जाकर के पढ़ाई किए थे, क्यों, बेगूसराय में अगर विश्वविद्यालय होता तो हम बेगूसराय में नहीं पढ़ते। इसीलिए लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तो हमने क्या मांग उठाई थी, याद कीजिए, आप तमाम लोगों के बीच हम चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे और हमने आपको क्या कहा था कि हमारा सवाल जात और धर्म का सवाल नहीं है,
हमारा सवाल इंसान और इंसानियत का सवाल है। हमारा सवाल इस बात से जुड़ा हुआ है कि हम बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं। इसीलिए अपनी घोषणा पत्र में हमने दिनकर विश्वविद्यालय बेगूसराय में बनाने की मांग की थी। याद कीजिए कि हम उस वक्त भी कहते थे और आज भी कह रहे हैं कि पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। क्यों? हमारे जिले में अगर एम्स जैसा अस्पताल होता तो वैशाली एक्सप्रेस में टिकट कटा करके दिल्ली जाना पड़ता इलाज कराने के लिए। याद कीजिए कि आपको पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए और रोजी रोजगार के लिए अपना घर परिवार छोड़ करके जाना पड़ता है। अभी तो लॉकडाउन था, हजारों लोग लाखों लोग वापिस बिहार लौट करके आए और उनके दिल में क्या दर्द था कि अगर काम मिल जाता, अगर व्यवस्था हो जाती, की रह ले हैं नौवीं का दिल्ली बम्बई कलकत्ता रह कर, दसवीं दिल्ली बम्बई कलकत्ता रह कर, ईद बकरीद दिल्ली कलकत्ता बम्बई रह कर, माए बाप जोर लोग नहीं दुर्गा मनी थे, माए बाप जोर लोग नहीं ईद सेवैया खेलते। क्यों हमको घर परिवार छोड़ करके जाना पड़ता है? क्योंकि रोजी रोजगार नहीं है। और देखिए हमारी हालत कि जब बंद हो गए कल कारखाने, लोग वापिस लौट करके आए और यहां इंतजार किए कि शायद कुछ होगा। दूर से वो भी सुनते थे विकास का बड़ा बड़ा पोस्टर लगता है, सुशासन के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। जब वापस लौट करके आए तो उनको यह बात का एहसास हो गया कि विकास का इंजन, उसका इंजन फेल हो गया है, उसका मोबिल पलटी करने का जरूरत है। एक बात कहते हैं ना लोग कि तावा पे रखा हुआ रोटी को भी नहीं अलटिए पलटिएगा तो रोटी जल जाता है। रोटी बनाए होंगे ना, माँ जो है घर में रोटी बनाती है ना, घर में पिताजी रोटी बनाए होंगे कभी, तो बिना पलटे जो है रोटी भी जल जाता है। और जो वादे हमसे किए गए थे उसकी हकीकत लोगों के सामने आ गया। क्या थी हकीकत? कि कोई क्वारंटाइन सेंटर नहीं था। सरकार ने कहा कि हमारे पास खिलाने के लिए अनाज नहीं है, आपके पास उड़ाने के लिए हेलीकॉप्टर है लेकिन खिलाने के लिए अनाज नहीं है। और अस्पतालों की हालत यह थी कि एक बेड पे लाश पड़ी हुई है और दूसरा इंसान जो जिंदा है, अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, पानी का बोतल हाथ में पकड़े हुए है। ये तस्वीर आपने देखी थी कि नहीं देखी थी? पूरा बिहार को पूरा देश देख रहा है कि कोरोना के इस दौर में, लॉकडाउन के इस दौर में सरकार ने जो हमारे साथ छलावा किया, विकास और सुशासन के नाम पे जो हमारे साथ धोखा किया, क्या बिहार की जनता उसको पटकनी देती है कि नहीं देती है? बोलिए दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब की बार बदलाव जरूरी है और इस बार इसीलिए हमारा संकल्प है कि सीट की संख्या हम नहीं देख रहे हैं, इस पार्टी को कितना सीट मिला ये नहीं देख रहे हैं कि नेता कौन बनेंगे, ये देख रहे हैं कि बिहार की जनता के लिए नीति क्या बनेगी, उस बात के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जब आए बिहार तो फिर से हम लोगों को कश्मीर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा है, कश्मीर से ही तो पैदल चल करके बिहार आए थे जब रोजी रोजगार बंद हो गया तो, और वही पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार आए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए और बड़ा बड़ा भाषण दे करके गए। एक कहावत है ना, अपन उपान सूरदास मर्तो, अपना राजकाज संभल नहीं रहा है, हम लोगों को आकर के ज्ञान दे रहे हैं। साहब कान खोल करके सुन लीजिए, ये बिहार की जनता है और बिहार का इतिहास ये है कि हम जब जब आते हैं अपने पर तब तब लोगों के दांत खट्टे करते हैं, उनको छक्के छुड़ाते हैं। याद कीजिए जब अंग्रेजों को लगता था कि हम ये देश छोड़ करके नहीं जाएंगे तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में
बेगूसराय की जनता ने पूरे देश को दिखाया था कि आंदोलन में से किया जाता है। याद कीजिए, चाहे कोई भी दौर रहा हो, जब सत्ता निरंकुश होने लगती है तो बिहार का जनता जना भैंसी के लोग नहीं नाथ है, वही नाथने का काम करती है। इस सरकार को जो गुमान हो गया है कि कोई इसको पलट नहीं सकता है, कोई इसको बदल नहीं सकता है, आप तमाम लोगों को यह संकल्प लेना पड़ेगा कि अगर इस देश के नेता अपने बारे में सोचते हैं, हमको भी अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा। बोलिए, सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा, संकल्प लेते हैं कि नहीं लेते हैं, सरकार बदलना है ना। मसुआ हो मसुआइए नहीं, हम आपके साथ एक नारा लगाना चाहते हैं। हम कहेंगे जय हिंद, और आप इतनी जोर से बोलिएगा जय भारत कि दिल्ली की सत्ता हिलनी चाहिए। बोलिए, हिलेगी कि नहीं हिलेगी? जय हिंद, जय हिंद। हम कहेंगे जय बिहार, आप कहिएगा तय महागठबंधन। जय बिहार, जय बिहार। ये बिहार के मान सम्मान की लड़ाई है, और हमारा मान सम्मान ये कहता है कि अगर आप हमसे धोखा कीजिएगा तो आपको सबक सिखाने का यही मौका है। इप्टा एक गाना गाती है, फिर आया वो वक्त पुराना, सबको सबक सिखाएंगे, हसुआ बाल पे बटन दबाकर अपना वोट गिराएंगे। ये बात आपको अपने दिमाग में रखना होगा। जब आप 3 तारीख को मतदान करने के लिए जाइएगा तो 1 मिनट उस मशीन के सामने खड़ा होकर के सोचिएगा कि हम ये मतदान क्यों कर रहे हैं। हम ये मतदान उनके लिए कर रहे हैं जिनके माँ बाप लॉकडाउन में पैदल चलते हुए, जिनके पैर में छाले पड़ गए, उनके पक्ष में हम लोग मतदान करेंगे। जब आप 3 तारीख को मतदान करने के लिए जाइएगा तो आप सोचिएगा कि हमारे बच्चे जो इंजीनियरिंग करके, आईटीआई करके, पॉलिटेक्निक करके, बीए करके, बीएससी करके, एमए करके, पीएचडी करके, अपनी डिग्री लेकर के नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, उनके भविष्य के लिए मतदान कीजिएगा। हमारे किसान भाई जो खेतों में जाकर के खून पसीना बहाते हैं और उनको उनके फसल का दाम नहीं मिलता है, एक उदाहरण सोच करके देखिए। आपका मकई का न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके मकई से जो मकई का उजरका लावा होता है ना, अंग्रेजी में उसको पॉपकॉर्न कहते हैं, वही सिनेमा हॉल में जब आप पॉपकॉर्न खाइएगा तो 250 रुपया का पैकेट मिलता है, 5 ग्राम। लेज का चिप्स का पैकेट देखे हैं, ऊपर से फुला रहता है, अंदर में 4 गो चिप्स रहता है। वही ये सरकार है, वही ये सरकार है कि आपसे आपके चीजों को सस्ता लेती है और आपको आपके जीवन की जरूरत की चीजें महंगा देती है। ये व्यवस्था हम बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फिर से हिंदू मुसलमान करें। हम कहते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे। आप इधर उधर की बात कीजिए, आप धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लोगों की लड़ाने की कोशिश कीजिए, हम रोजगार के नाम पर लोगों को इकट्ठा करके दिखाएंगे। इसीलिए हमारा जो संकल्प पत्र तैयार हुआ है, वो 5 पार्टियों का जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र का जो मजमून, उसकी जो मूल बात है, उसको ही संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। और हमारा संकल्प जो सबसे बड़ा है कि हम बिहार के नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार के किसानों को उनके फसल का दाम दिया जाए। हम चाहते हैं कि समान काम का समान वेतन लागू किया जाए। आई हो एक स्कूल में, स्कूल से एक स्कूल में एक छत के भीतर 2 तरह के मास्टर साहब को कौन जरूरी, दोनों गणिते पढ़ा रहे थे, एगो को मिलते 70,000, एगो को मिलते 60,000। ये अन्याय है कि नहीं है? और यही हम चाहते हैं कि शिक्षकों को समान काम का समान वेतन मिले। आज हमारे घर पर सुबह सुबह
जो वित्त रहित स्कूल और कॉलेज है उसके शिक्षकों का और उनके कर्मचारियों के संघ के लोग मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में हम हजारों शिक्षक हैं, हम हजारों शिक्षक महागठबंधन के पक्ष में एक कार्यकर्ता की तरह इस सरकार को बदलने के लिए काम करना चाहते हैं और हम आपसे ये वादा चाहते हैं कि हम वित्त रहित शिक्षकों का भी मुद्दा उठाया जाए। हमने कहा कि मौका दीजिए, अवसर दीजिए, गाड़ी चलवा दे हो तब न पता चलता ड्राइवर बढ़िया चाहिए कि नहीं, गाड़ी चलवाइए नहीं दे तब कहे जो केना चलते हैं। अरे हर काम को तो कोई ना कोई जीवन में पहली बार करता है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री माइक पेटे से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन के आए हैं, ऐसा तो नहीं है ना भाई। कोई काम करने से ही तो होता है। हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता था करत करत अभ्यास के जर्मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिलपर पड़त इंसान। जब कोमल घरे के रखने से कठोर पत्थर पर निशान हो सकता है तो हम लोग कोई हवा हवाई आदमी थोड़ी है। जीवन के अनुभव से ये सीखे हैं, किताब में कोई गरीबी थोड़ी पढ़े हैं। जब हमारी ही यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई माननीय मंत्री साहिबा कह रही थी कि पूरे बिहार को फ्री वैक्सीन देंगे तो हमको अपना दिन याद आ गया। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो 50 रुपया दिहाड़ी पे घर घर घूम करके पोलियो का ड्रॉप पिलाते थे। बताइए उस वक्त का सरकार भी अगर कहता कि नहीं हम बिहार को फ्री देंगे और बंगाल से पैसा लेंगे तो आपको अच्छा लगता सुनने में? ये झूठ क्यों बोला जा रहा है, ये धोखा क्यों दिया जा रहा है? एक तो वैक्सीन अभी आया नहीं है, दूसरा वैक्सीन आने से पहले ही चुनाव आ गया है, तो कुछ तो ऐसी बात हो ना कि फिर से लोगों को ठगा जा सके। जैसे ठगा गया कि आपके खाते में 15 लाख रुपया आ जाएगा, क्या वो लोग कैलन हाथ होता एक को रोकना है इहल कहे भाजपो वाला से दुकान पर लड़ाई की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं चीज खाली तोरे ठेक ले को है बेचारा ओकरो ठेक ले को है ओकरा कही हो यारवा रहबे जरेन साथ चाय पी रहलिए हैं साथे जेबे एजास बेगूसराय वह कटाम लटक के तो आपस में लड़ा कौन जरूरी। और ये बात मैं जोर देकर के आपको कहना चाहता हूं, कुछ हमारे साथी बदलाव की उम्मीद में जोश से लबरेज है, मैं आपके जोश को सलाम करता हूं और सरकार के प्रति गुस्सा भी स्वाभाविक है। अगर हम ही आज जो है लंबा लंबा भाषण दे दें और कल को सरकार बने तो अपना ही संकल्प पत्र अगर हम भूल जाएं तो हमको भी गाली पड़ेगी, ये बहुत स्वाभाविक बात है। लोकतंत्र में असली मालिक जनता है और जनता के सवालों को जो सरकार पूरा नहीं करेगी, चाहे यह सरकार हो या वो सरकार हो, तो उसके प्रति गुस्सा होना स्वाभाविक है। लेकिन गुस्सा का ये कतई मतलब नहीं है कि हम अपने जोश का इस्तेमाल कहीं और कर दें, जोश में होश खो दें। जोश में होश खोने की जरूरत नहीं है। मैंने कई जगह ये घटनाएं देखी कि सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ धक्का मुक्की हो रहा है, स्वाभाविक बात है, लेकिन उनके साथ क्या धक्का मुक्की करेंगे, उनका बेचारा का क्या वैल्यू है? विधायक सब के ना एगो चौकीदारों इतना वैल्यू नहीं बचले हैं, तो सच बात बता रहे हैं आपको। विधायक अगर फोन करे थाना प्रभारी को कहेगा रखिए बाद में बात करेंगे, कि हम थाना प्रभारी का बात बोल रहे हैं। डीएम को तो छोड़ दीजिए, एसपी को तो छोड़ दीजिए, डीजीपी को तो छोड़ दीजिए। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि जब विधायक जनता से वोट लेकर के अपना ईमान बेच देते हैं तो उनका रुतबा चला जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नेता की ताकत जनता होती है और जिस दिन नेता जनता से कट जाए उस दिन ब्यूरोक्रेसी उसका सुनना बंद कर देती है। और यही स्थिति आज जनप्रतिनिधियों की हुई है, क्योंकि नेता को जनता अपने आंख से देख रही है कि कैसे हम वोट देते हैं
और चुन करके जब जाता है तो पटना पहुंच करके दिल्ली पहुंच करके कोना कोना खेलना शुरू कर देता है। आप देखिए कि कैसे चुने हुए विधायकों को कैदी की तरह बस पे बिठा करके इस होटल से उस होटल घुमाया जाता है। इसीलिए जब आज हम आपके बीच आए हैं तो पूरी जिम्मेवारी से ये बात कह रहे हैं कि अगर आप सूर्यकांत जी को जिताइएगा तो कम से कम आपको होटल होटल इनको आप घूमते हुए नहीं पाइएगा। किसी भी पार्टी के पास, किसी भी संगठन के पास, किसी भी खाते में इतना पैसा नहीं जमा हुआ है कि लाल झंडे के सिपाही के ईमान को खरीद ले। इसीलिए हम आपसे दावा करने के लिए आए हैं कि ये दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती ये है कि आपको अपने गुस्से का और अपने जोश का होश से इस्तेमाल करना है, और आपको तब तक आराम नहीं करना है जब तक कि 10 तारीख को परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आ जाता है। हम देखे छे लड़का करके बड़ा जोश नीचे मार मोटरसाइकिल हुरहुरैने एकदम फेसबुक पर लाइव कैने सेल्फी खिंचैने, बहुत अच्छी बात है। और ये उत्साह देख करके ही हमने आपको कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, एकदम स्वस्थ हो गए हैं आप लोगों को देख करके। तो ये जोश आप रखिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, चुनाव कई बार युद्ध की तरह होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे बॉर्डर पे हमारे भाई लोग नौकरी करते हैं तो कहते हैं कि अपना पोस्ट 5 मिनट के लिए भी छोड़ करके दूसरे पोस्ट पर नहीं जा सकते हैं। तो आपको जिस बूथ की जिम्मेवारी मिली है वही आपका पोस्ट है, और उस बूथ में पड़ने वाले जो मतदाता है वो आपकी जनता है, आपकी जिम्मेवारी है। एक एक मतदाता को घर से बाहर लेकर के आना, बूथ पर उनको पहुंचाना, और कोरोना प्रोटोकॉल को मानते हुए एक एक मतदान महागठबंधन के पक्ष में करवाना, यह आपकी जिम्मेवारी है। और आप जानते हैं कि हम लोग खूब भीड़ जुटा लेते हैं, खूब रैली जो है हम लोग निकालते हैं, और यह मान करके बैठ जाते हैं कि अब ये जीत के लिए, लेकिन परिणाम हमारे खिलाफ आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो आखिरी वक्त है उस वक्त हम अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने में थोड़ा कसर छोड़ देते हैं। मैं ये बात खास करके अपने नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूं कि खूब फेसबुक लाइव कीजिए, खूब सेल्फी खिंचाइए, लेकिन अपना पोस्ट छोड़ करके कहीं मत जाइए। जिस बूथ की जिम्मेवारी मिली है एक एक वोट वो आपके पक्ष में गिरना चाहिए। और यही आशा और विश्वास के साथ मैं आपको अपील करना चाहता हूं कि अगर हम ईमानदारी से लड़ेंगे तो हर हाल में इस लड़ाई को हम जीतेंगे। दुष्यंत कुमार ने एक बात कही है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कैसे यह सरकार बदल नहीं सकती, एक एक वोट को महागठबंधन के पक्ष में डलवाओ तो यारो। जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और ये लड़ाई हम बहुत जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।